दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी गुड। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों यूज करना, जस्ट स्टॉप, हटाओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्ते। माय नेम इज खुशबू। आई क्रिएट कंटेंट रिलेटेड मेकअप, स्किन केयर रिव्यू, टिप्स एंड हॉल्स के ऊपर। आज मैं आप लोगों के साथ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, एंड विच इज माई फेस जेल का रिव्यू फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए एंड फॉर पिम्पल्स एक्ने के लिए। जेल शेयर करने वाली हूँ, क्रीम शेयर करने वाली हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई फेस जेल क्यों यूज करते हैं? तो माई फेस जेल यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने और पिम्पल्स के लिए। ये क्रीम बेसिकली यूज होता है, तो भी बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन आपके स्किन में होते हैं, उन सबसे ये छुटकारा में काफी अच्छा हेल्पफुल है। एंड इफ यू हैव ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, देन इट विल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? भी हो सकती है आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई फील करेगी, आपको रेडनेस हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। देर आर मच मोर साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस क्रीम। हम बात करते हैं कि डायरेक्शन, इसको कैसे यूज करना है। तो पहले तो आप, अगर आपके किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो आपके प्रिस्क्राइब्ड वे से इसको यूज करिए। हैव टू वॉश योर फेस प्रॉपरली, आपको अपना चेहरा अच्छे से धुल लेना है विथ यूजिंग सोप और फेस वॉश और एनी माइल्ड क्लेंजर से। आपको अपना फेस का पूरा डर्ट, पोल्यूशन सब कुछ रिमूव करना है। उसके बाद यू हैव टू टेक छोटा सा अमाउंट लेना है, और जहां पर एक्ने की प्रॉब्लम है वहां पर जस्ट यू हैव टू प्लेस दिस। प्रेस पिंपल को नहीं करना होता है, पिंपल को दबाइए मत। अब मैं बात करती हूँ उसका प्राइस। प्राइस बॉक्स में मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी, क्वांटिटी और टेक्सचर की बात कर। विल रिसीव दिस 5 ग्राम में क्वांटिटी वाला है, टेक्सचर शो करती हूँ आपको। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक्स। आपको चेहरे पे अप्लाई करने से पहले आप हैंड्स पे या कहीं पे भी आप पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्रीम आपको सूट होगा या नहीं होगा। इस वीडियो के रिलेटेड भी यू मे हैव सम क्वेश्चन, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नेचुरल, लाइक ऑयली स्किन वालों के लिए ये सही काम करेगा या नहीं करेगा? वेल, ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही है, तो इसका आंसर यस है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑयल आता है उसे काफी हद तक कंट्रोल करेगा, जिससे आपके एक्ने पिंपल नहीं होंगे। कि हाउ टू अप्लाई दिस जेल, वॉश करना है साबुन से वॉश कर लीजिए, फेस वॉश से वॉश कर लीजिए, या माइल्ड क्लेंजर से वॉश कर लीजिए, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। जस्ट क्लीन योर फेस, अच्छे से उसको ड्राई होने दीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी लीजिए घर पे, हल्का सा यू हैव टू अप्लाई, पूरा प्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पोर्स पे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इससे हमारे पोर्स कम होंगे उसके साइज या नहीं होंगे। पोर्स की प्रॉब्लम होना इट्स वेरी नेचुरल ऑयली स्किन वालों में, तो ऑयली स्किन में हमारे पोर्स ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीट होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो ऑयल प्रोड्यूस ना हो तो उसके लिए ये क्रीम वेरी वेरी गुड। अभी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड स्वाभाविक है ये पूछना कि माई फेस जेल जो है वो पिंपल के लिए यूज होगा या नहीं होगा। तो ये पिंपल के लिए ही है और ये पिंपल पे बहुत ही अच्छे से यूज होगा। आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, यस इट विल रिड्यूस योर डार्क स्पॉट। पिंपल के डार्क स्पॉट्स, ऐसे पिंपल के डार्क स्पॉट्स पे बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपके डार्क स्पॉट को लाइटन करेगा पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रीम। तो ऐसा कुछ मैं बता नहीं सकती क्योंकि जैसा आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उसके टाइम पीरियड के हिसाब से, लाइक 1-2 हफ्ता, 1 महीना, जितना भी वो उन लोगों ने सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करिए। और ऐसे रैंडम वे में आप इसको तक यूज करिए, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों यूज करना, जस्ट स्टॉप, हटाओ। सो होप यू क्लियर रिगार्डिंग दिस माई फेस जेल का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अप्रिशिएट माई वर्क बाय डूइंग जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यू विल बी गेट नोटिफाइड फर्स्ट। शेयर दिस वीडियो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय।